वेलकम टू माई चैनल ट्विटर अभी सो आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं सेमी कंडक्टर के टाइप्स सो so, हमारे सेमी कंडक्टर के टू टाइप्स होते हैं फर्स्ट टाइप होता है हमारे पास इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर एंड सेकेंड होता है हमारे पास एक्सटेंसिव सेमी कंडक्टर एंड इस एक्सटेंसिव सेमी कंडक्टर के भी फर्दर दो टाइप्स होते हैं जो हम इसके वीडियो में डिस्कस करेंगे तो आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर क्या होता है इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्शन बैंड में एंड नंबर ऑफ होल्स होते हैं कहाँ वैलेंस बैंड वो दोनों इक्वल होते हैं अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स का क्या मतलब है ये हम समझते हैं यहाँ पे कि जो हमारा सेमिक कंडक्टर होता है उसमें क्या होता है जो हमारे पास वैलेंस बैंड ये होता है हमारे पास वैलेंस बैंड ये होता है हमारे पास कंडक्शन बैंड इनके बीच का जो गैप होता है ये मिनिमम होता है मीन्स यहाँ पर यहाँ पर क्या होता है हमारे पास ये होता है फॉरबिडन गैप ये क्या होता है मिनिमम होता है एंड वैलेंस जो वैलेंस बैंड होता है यहाँ पे ये टोटली फिल्ड होता है किससे इलेक्ट्रॉन से इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर तो जब हम यहाँ पे सेमीकंडक्टर में हम बहुत ही मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट या फिर टेम्परेचर देंगे तो क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस बैंड में वो यहाँ से मूव करना स्टार्ट करता है कंडक्शन बैंड में जंप करता है टेम्परेचर रेज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा कंडक्शन बैंड में अब यहाँ पे ये टोटली फिल्ड था तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है मीन्स कि एक की एफसेंस कमी हो रही है तो क्या होगा यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा तो यही यहाँ पे है कि नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड एंड नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड आर इक्वल इसमें क्या होता है जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे उतने ही होल्स क्रिएट होंगे और इन दोनों का जो नंबर होगा वो सेम होगा एंड ये जो हमारा इंट्रेसिक सेमिक कंडक्टर होता है ये एक हमारे पास ये प्योर सेमी कंडक्टर होता है क्या होता है प्योर सेमी कंडक्टर इसमें हमारे पास कोई इंप्योरिटी नहीं होती है नो no इम्प्योरिटी नो इम्बी मीन्स कि हम इंट्रेंसिक सेमी कनेक्टर में कोई डोपिंग नहीं कर सकते हैं अब डोपिंग क्या होता है नो डोपिंग डोपिंग क्या होता है कि हमारे पास कोई सेमी कनेक्टर है उसमें एक्स्ट्रा कोई सबस्टांस ऐड करना एक्स्ट्रा कोई चीज़ ऐड करना तो वो हम इंट्रेंसिक सेमी कनेक्टर में नहीं कर सकते हैं एंड इसमें जो क्या होता है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या फिर हम बोल सकते हैं इसको फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या होता है ये टोटली totally डिपेंड करता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन एंड होल्स पे मीन्स इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है होल्स क्रिएट हो रहा है फिर इलेक्ट्रॉन इस होल्स को फिल करेगा फिर ऐसे ही ये प्रोसेस चलते रहता है तो हमारे जो तो इक्ट्र इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी होता है ये डिपेंड करता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन एंड होल्स पे हमारे पास इसका एग्जाम्पल क्या होता है इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर का एग्जाम्पल होता है हमारे पास सिलिकन एंड जर्मेनियम क्या है सिलिकन एंड जर्मेनियम इसका एग्जाम्पल होता है अब हम जर्मेनियम का एग्जाम्पल लेते हैं तो जर्मेनियम में क्या होता है हमारे पास जर्मेनियम में के जो आउटर मोशियल होता था था था, था था, था, था है उसमें हमारे पास क्या होते हैं चार इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास फोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जर्मेनियम के आउटर मोशल में और ये होता है हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो जब ये जर्मेनियम दूसरे जर्मेनियम के कंबाइन करेगा तो ये क्या हो गया आपस में एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है अब ये कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म करेगा कि सपोज ये हमारे पास जर्मेनियम है तो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने हैं फोर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक और जर्मेनियम है इसके भी आउटर मोस्ट में क्या है फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सिमिलरली एक और जर्मेनियम है ये क्या है आउटर मोश्चन में फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे क्या होगा ये इससे बॉन्ड बनाएगा ये वाला इससे बॉन्ड बना लेगा ये इससे क्वालेंट बॉन्ड बनाएगा

कि कुछ थर्मल वाइब्रेशन होता है मीन्स थर्मल वाइब्रेशन मीन्स कुछ तो हीट एनर्जी अब ड्यू टू हीट एनर्जी क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जर्मेनियम के ये अभी कि इसमें वैलेंस बैंड में है तो ये क्या होता है यहाँ से वैलेंस बैंड से जंप कर जाएगा हमारे पास कंडक्शन बैंड में एंड यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाता है क्या हो जाएगा यहाँ पे इस पॉइंट पे यहाँ से जो ये जो पॉइंट है यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा हमारे पास कंडक्शन बैंड में ये अभी वैलेंस बैंड में यहाँ से जंप कर जाएगा हमारे पास कंडक्शन बैंड में तो यहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाएगा सो इन इंट्रेंसिक सेमी कनेक्टर क्या होता है हमारे पास जो कंसंट्रेशन ऑफ ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं मीन्स यहां पे ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से वैलेंस बैंड से कंडक्शन मूव कर गया गया तो ये इलेक्ट्रॉन हो फ्री इलेक्ट्रॉन ये बाकी सब इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है हम इस इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन है तो क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड अब इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से एक होल क्रिएट हुआ है तो कंसनट्रेशन ऑफ फोल भी क्या होता है हमारे पास सेम होता है किसमें इन केस ऑफ इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर एंड इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर में या फिर सेमी कंडक्टर में जब टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से हमारे पास कंडक्शन बैंड में मूव करता है तो टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा टेम्परेचर इसके इंक्रीज करने पर जो हमारे पास रजिस्टिविटी होता है टी आई वी आई टी आई रेजिटिविटी के आता है हमारे पास रेजिटिविटी डिक्रीज हो जाता है एंड जो हमारे पास कंडक्टिविटी होता है वो क्या होता है वो इंक्रीज करता है तो इसीलिए स्टार्टिंग के वीडियो में हमने सेमिक फिजिक्स के स्टार्टिंग वीडियो में हमने एक आ, प्रूफ देखा था जिसमें रेजिटिविटी होता है वो कंडक्टिविटी के रेसिप्रोकल होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉरी रेसिप्रोकल ये होता है रेजिटिविटी कंडक्टिविटी के इन्वर्सरी प्रोपोर्शनल होता है मीन्स कनेक्टिविटी इंक्रीज तो रेस्टिविटी डिक्रीज़ करेगा एंड अगर रेस्टिविटी इंक्रीज़ करेगा तो कनेक्टिविटी हमारे पास डिक्रीज़ करेगा एंड एंट्रेंसिक में एक और पॉइंट कि जो हमारे पास फॉमिल लेवल होता है इंट्रेंसिक सेमी कनेक्टर का मीन्स ये क्या है ये हमारे पास यहाँ पे है कंडक्शन बैंड ये हो गया कंडक्शन बैंड एंड ये हो गया हमारे पास वैलेंस बैंड तो यहाँ पे और इस गैप को हम बोलते हैं फॉरबिडन गैप तो इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर में क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल इक्वल होता है कंसंट्रेशन इक्वल होता है तो इसमें जो फॉमी लेवल होता है वो एकदम मिडल मिड में लाई करता है फॉरविडन गैप के एकदम मिड में हमारे पास क्या होता है फॉर्मी लेवल इसका लाई करता है इन केस ऑफ इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर फॉर्मी लेवल लाई बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड सो so गाइज आप इसका एक क्लियर डायग्राम देख सकते हैं इसमें क्या है हमारे पास वैलेंस बैंड है एंड ये कनेक्शन बैंड वैकेंट है मीन्स अभी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड ने मूव नहीं किया है और ये हमारे पास कैप ये जो ई होता है ये होता है हमारे पास फॉर्विडन गैप इसको हम बोलते हैं फॉरविडन गैप इसको डिनोट करते हैं हम ई जी तो जो हमारा फॉमिल लेवल है वो क्या है? करता है मिड में लाई करता है ऊपर से और यहाँ से इन दोनों के बीच में एकदम बीच में बस क्या है फॉर्मी लेवल लाई करता है ये हमारे पास फॉर्मी लेवल है और ये ई क्या है कंडक्शन बैंड का एनर्जी लेवल है एंड ये ई जो है हमारे पास ये बैलेंस बैंड का ई एफ इन्स फील्ड बैलेंस बैंड का ये एनर्जी लेवल है एंड इसी कंडक्शन बैंड का एनर्जी लेवल है तो इन दोनों के बीच में फोमिलेबल लाई करता है सो गाइज आई होप कि आपको ये टॉपिक इंटरेंसिव सेमी कनेक्टर समझ में आया हो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सटेंसिव सेमी कनेक्टर एंड उसके भी फर्दर दो टाइप होते हैं एक होता हमारे पास एन टाइप एंड एक होता हमारे पास पी टाइप ये होता है हमारे एक्सटेंसिव समिक्रैक्टर का इनमें भी हम देखेंगे कि फॉर्मी लेवल कहाँ प्लाई करता है एंड देन उसके बाद हम इनके प्रूफ देखेंगे कि फॉर्मिलवल कैसे फाइंड होता है इनका हम प्रूफ भी होता है डेरिवेशन वो हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे सो गाइज़ आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा एंड इस चैनल पे सबिक करेक्टर के और भी वीडियोज़ हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें एंड प्ले को जरूर एक्सेस करें सो डैट कि जब नेक्स्ट अभी और वीडियोज़ अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे एंड प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें Thanks for watching the video.